आज हम लोग क्लास सेवन के केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल्स एंड केमिकल चेंजेस का अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो है केमिकल कंपाउंड के विषय में केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला किसे कहते हैं जरा इसको देख ले। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड इट्स केमिकल फॉर्मूला। बच्चों ध्यान देना है, केमिकल फॉर्मूला हम किसे कहते हैं? द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड इट्स केमिकल फॉर्मूला। जैसे वाटर, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है H2O। वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O हुआ। इससे हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है उस पर हमको ध्यान देना है। वाटर में दो एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एलिमेंट का दो एटम है वाटर के एक मॉलिक्यूल में और ऑक्सीजन एलिमेंट का एक एटम है वाटर के एक मॉलिक्यूल में। यानी कि केमिकल फॉर्मूला किसी कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट है उसको भी बताता है और उस एलिमेंट के कितने एटम इन्वॉल्व है इसे भी बताता है। चलिए अब हम दो चार कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूला को देखते हैं। प्रिय बच्चों, अमोनिया गैस एक कंपाउंड है, इसका केमिकल फॉर्मूला है NH3। दो इंफॉर्मेशन हमको मिल रहा है कि अमोनिया गैस में दो एलिमेंट इन्वॉल्व हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। दूसरा इंफॉर्मेशन यह है कि अमोनिया गैस में नाइट्रोजन का एक एटम है और हाइड्रोजन के तीन एटम इन्वॉल्व हैं। सोडियम क्लोराइड, जो हम अपने घरों में नमक जिसका इस्तेमाल सब्जियों में खाना में करते हैं वो सोडियम क्लोराइड कहलाता है। कॉमन साल्ट उसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं, वो है NaCl। यहां भी हमें दो इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि कॉमन साल्ट में दो एलिमेंट इन्वॉल्व है, सोडियम और क्लोरीन। सोडियम का एक एटम और क्लोरीन का एक एटम। उसी तरह से पोटेशियम क्लोराइड, इसमें भी दो एलिमेंट है, पोटेशियम और क्लोरीन। पोटेशियम का एक एटम और क्लोरीन का एक एटम इन्वॉल्व है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 डाई का अर्थ यहां दो है, ऑक्सीजन चूंकि दो है इसलिए डाइऑक्साइड कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में दो एलिमेंट इन्वॉल्व हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन का केवल एक एटम और ऑक्सीजन के दो एटम है। यानी कि हर कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है वो हमें कम से कम दो इंफॉर्मेशन निश्चित रूप से देता है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व है और वो उस एलिमेंट के कितने कितने एटम हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, मैग्नीशियम का एक एटम, क्लोरीन का दो एटम और कुल दो एलिमेंट इन्वॉल्व है मैग्नीशियम और क्लोरीन। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन के दो एटम और सल्फर का एक एटम, कुल दो एलिमेंट इन्वॉल्व है यहां भी हाइड्रोजन और सल्फर। मीथेन गैस CH4, यहां ध्यान देने की बात है यहां दो एलिमेंट है कार्बन और हाइड्रोजन,
कार्बन का केवल एक एटम, हाइड्रोजन के चार एटम है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl इसे कहते हैं। इसमें भी दो एलिमेंट इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन का एक एटम और क्लोरीन का एक एटम इन्वॉल्व है यहां। प्रिय बच्चों, अब हमें जानना है वैलेंसी किसे कहते हैं। वैलेंसी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी of an atom of an element, the combining capacity of an atom of an element, the combining capacity of an atom of an element with atoms of other elements with an atom, with an atom of other element is called its valency. The combining capacity of an atom of an element with an atom of other element is called its valency. जरा ध्यान देना है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसकी वैलेंसी वन है। इसका मतलब है कि एक हाइड्रोजन किसी दूसरे एटम के, एक एटम के साथ कंबाइन कर सकता है। ऑक्सीजन, इसकी वैलेंसी दो है, यानी कि ऑक्सीजन का एक एटम किसी दूसरे एटम के दो एटम से ये कंबाइन कर सकता है। क्लोरीन, इसकी वैलेंसी वन है, यानी कि क्लोरीन का एक एटम किसी दूसरे एलिमेंट के एक एटम से कॉम्बिनेशन बनाएगा। सोडियम, इसकी वैलेंसी भी एक है। पोटेशियम, इसकी वैलेंसी भी एक है। जिंक, इसकी वैलेंसी दो है। सिल्वर, एजी, इसकी वैलेंसी दो। मैग्नीशियम, एमजी, इसकी वैलेंसी दो। इसकी वैलेंसी दो। एल्यूमिनियम, इसकी वैलेंसी तीन। कार्बन, इसकी वैलेंसी चार। आयोडीन, इसकी वैलेंसी एक। प्रिय बच्चों, अब हम केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है उसे सीखेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे। बहुत ही आसान है और बहुत जरूरी चीज है केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है उसको सीखना, इसलिए ध्यान देकर हम लोग सीखेंगे। हाउ टू मेक अ केमिकल फॉर्मूला। एक केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है वो हम लोग सीख रहे हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला सबसे पहले हम बनाना सीख रहे हैं। पहला है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी इसका नाम है। ध्यान देने की बात है बच्चों, इसमें दो एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन, क्लोराइड फॉर क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन।
इसका हम कैसे बनाएंगे फॉर्मूला, सो देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला बना। हाइड्रोजन सबसे पहले जिसका फॉर्मूला बनाना रहता है उसके नाम पर ध्यान देंगे, उसका नाम हमको बता देगा कि कौन कौन से एलिमेंट उसमें इन्वॉल्व हैं। हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन का पहले सिंबल लिखेंगे, सिंबल, और नीचे उसकी वैलेंसी लिखेंगे, वैलेंसी। ध्यान दीजिए हाइड्रोजन का सिंबल है बेटा एच, और क्लोरीन का सिंबल है सीएल। हाइड्रोजन की वैलेंसी हमने लिखाया भी है आप लोगों को एक, और क्लोरीन की भी वैलेंसी एक है। अब फॉर्मूला हमारा तैयार होने जा रहा है, इसकी वैलेंसी को इसके पांव के नजदीक लिख देना है और इसकी वैलेंसी को इसके पांव के नजदीक लिख देना है। बनेगा क्या, एच वन सी एल वन, ये बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला एच वन सी एल वन। थोड़ा ध्यान देने की बात है प्रिय बच्चों, चूंकि दोनों का वैलेंसी सेम हो रहा है, कॉमन है एक और एक, इसलिए हम उसको हटा देंगे। चूंकि एच जो है अकेला अपने आप को एक ही बताता है, क्लोरीन भी बता रहा है कि मैं अकेला हूं, इसलिए एक लिखने की आवश्यकता वहां पे नहीं है। इस तरह से हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला हुआ HCl, ये फाइनल हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला हम बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोराइड। ध्यान दीजिए इसके नाम पे मैग्नीशियम एक एलिमेंट, क्लोरीन, क्लोरीन फॉर क्लोराइड दूसरा एलिमेंट। फिर हम लिखेंगे इसके सिंबल और इसकी वैलेंसी। मैग्नीशियम का सिंबल है बाबू Mg, क्लोरीन का सिंबल है Cl, मैग्नीशियम की वैलेंसी है दो और क्लोरीन की वैलेंसी है एक। मैंने जैसा कि पहले फॉर्मूला में आपको बताया है कि इसके वैलेंसी को इसके पांव के नजदीक लिख देना है और इसके वैलेंसी को इसके पांव के नजदीक लिख देना है, यानी कि हमारा फॉर्मूला होगा Mg1 Cl2। फिर ध्यान देंगे फॉर्मूला हमारा तैयार है Mg1 Cl2। फिर मैं पिछली बात रिपीट करना चाहूंगा, Mg अकेला ये इंफॉर्मेशन देता है कि मैग्नीशियम का मैं एक एटम हूं, इसलिए यहां एक लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम लोग यहां से एक को हटा देंगे। ये फॉर्मूला बन जाएगा MgCl2, फाइनल फॉर्मूला हमारा हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2। प्रिय बच्चों अब तीसरा फॉर्मूला हम बनाना सीख रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्यान दीजिए, पहले ध्यान देंगे उसके नाम में कि कौन कौन सा चीज है उसमें शामिल, कौन कौन से एलिमेंट हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए हम लोग ऑक्साइड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब हम इस दोनों के वैलेंसी और सिंबल्स लिखेंगे। पहले सिंबल, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन का सिंबल O, वैलेंसी लिखिए मैग्नीशियम की वैलेंसी दो, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी दो। मैंने आपको पहले ही बताया है
कि इसके वैलेंसी को इसके पांव के नजदीक नीचे लिख देंगे और इसके वैलेंसी को इसके पांव के नजदीक नीचे लिख देंगे। हमारा फॉर्मूला बन रहा है Mg2O2। फिर ध्यान दीजिए, क्योंकि फिर दो दो दोनों में है, कॉमन है, इसलिए इसको हटाया जा सकता है, क्योंकि दो मैग्नीशियम का एटम दो ऑक्सीजन के एटम से कंबिनेशन कर रहा है। इसका मतलब है कि मैग्नीशियम का एक एटम ऑक्सीजन के एक एटम से कंबाइन करेगा, इसलिए इस दो दो को हटाया जा सकता है और ये लिखा जाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। प्रिय बच्चों, आज का क्लास हम यही संपूर्ण कर रहे हैं, फिर अगले क्लास में हम इसके अगले टॉपिक को पढ़ेंगे।